हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज का जो हम लोगों का सेशन या डिस्कस करने वाला टॉपिक है, यह आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का प्रवेश पत्र आ चुका है, तो इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात, आपका क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है, प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें? प्रवेश पत्र तो आ चुका, अब इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? क्लियर, इसका पूरा प्रोसेस देख लीजिएगा। थोड़ा सा देखना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और आगे आने वाले समस्त नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, अब एनटीए का नया नियम क्या है? एनटीए पेपर करा रहा है तो इसका नया नियम क्या है, ये भी आपका डिस्कस करेंगे। पेपर किस पैटर्न का आएगा ये भी डिस्कस होगी, क्या क्या लेकर जाना है और इससे संबंधित अन्य जानकारियाँ। क्लियर, जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है या इंस्टाग्राम को, तो इसको टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिए एग्री क्लासेस 573, उसको जाकर ज्वाइन कीजिए। चलिए आइए देखते हैं, क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आइए हम लोग चलते हैं bhunta.nic के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं, तो अब नीचे की तरफ स्क्रोलिंग करते हैं तो देखिए क्या आपका आया है। दिया है यहाँ पर ब्रेड वाले बॉक्स में एडमिट कार्ड BHU का, UET और PET, UG और PG दोनों का आ चुका है। और एक बात और यहाँ पर मेजर नोटिफिकेशन आपको बता दें, ये जो नोटिस आपकी आई है यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, 19 तारीख में आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन से डेट में एग्ज़ाम पड़ा है। अब तो एडमिट कार्ड आ गया, तो खैर देखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देख लीजिएगा। चलिए आइए, जैसे कि हम लोगों को PG का डाउनलोड करना है तो PG का हम एडमिट कार्ड या UG का कोई भी डाउनलोड करेंगे तो आपको सेम फॉन्ट आएगा। फॉन्ट में क्या है, आपका एप्लीकेशन नंबर पहले सबमिट करना होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर डाउनलोड करके, फिर सिक्योरिटी पिन अब सबमिट करके आपको लास्ट में नीचे की तरफ सबमिट कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका नेम आ चुका और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका, एप्लीकेशन नंबर। क्लियर, अब यहाँ से दे रहा है नीचे देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो डाउनलोड करना है आपको, इस पर क्लिक करके आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के पश्चात आपको नीचे के दिए गए सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपका सेंटर दिया है, एग्ज़ाम टाइमिंग दिया है, क्लोजिंग गेट का टाइम और रिपोर्टिंग टाइम और डेट कब है आपका एग्जामिनेशन, ये बात किया है इसमें। क्लियर, फिर आपका दे रहा है नीचे की तरफ आइए कि यदि आपको कफ, फीवर, ब्रेथनेस में प्रॉब्लम कोई भी हो तो आप इसको टिक कर सकते हैं, अन्यथा कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर तीन बॉक्स और दे रहा है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस पर क्लिक करिए, नहीं तो अन्यथा छोड़ दीजिए। क्लियर, फिर आइए यहाँ पर कैंडिडेट फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पर फ़ोटो, वही फ़ोटो चिपकानी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे फिल करके चिपकाया था। क्लियर, फिर आपका यहाँ पर थंब इम्प्रेशन, यदि मेल हैं तो उसका लेफ्ट थंब लगेगा और यदि फीमेल हैं तो उसका राइट थंब यहाँ पर प्रेस होगा। क्लियर, फिर यहाँ पर सिग्नेचर, जैसे राम मोहन, सोहन, कुछ भी हो आपका, जो भी सिग्नेचर हो, सिग्नेचर आपका कब करना है, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि यह प्रेजेंट एग्जामिनेशन हाल में जब आप एंट्री कर जाएंगे उसके बाद आपका परीक्षक आएगा, उसके सामने आपको सिग्नेचर करनी होगी। क्लियर, अब आइए इंस्ट्रक्शन इसके देखिए, क्या इसका पेपर कैसा आएगा। पेपर तो आपका 120 क्वेश्चन का आएगा, BHU MSc की बात कर रहा हूँ, MSc UG की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं PG की बात कर रहा हूँ। PG के जितने क्वेश्चन आते थे उतने ही क्वेश्चन आएंगे, और UG के जितने क्वेश्चन आते थे 100 क्वेश्चन आते थे तो उसके 100 क्वेश्चन ही आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। BBAU लखनऊ वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी मर्ज हुई है लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पेपर अलग होगा, उनका पेपर अलग होगा। आइए देखते हैं, फिर आपका पर्सनल ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जा सकते हैं और पर्सनल हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं, एक बॉल पॉइंट पेन ब्लू या ब्लैक ले जाइए। क्लियर, फिर एडमिट कार्ड आप सेल्फ डिक्लेरेशन करके जाइए और एक फ़ोटो लेकर जाइएगा, और एडमिट कार्ड आप निकलवाते समय दो निकलवाइएगा, क्योंकि NTA का जो रूल है ये एडमिट कार्ड जमा होने का रूल हो गया है,
इसका एडमिट कार्ड जमा हो जाता है। सीबीटी टेस्ट जब होता है, कंप्यूटर बेसिस टेस्ट, तो आपका एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वो आपका एडमिट कार्ड जमा करा लिया जाएगा। आईसीआर में जमा करा लिया गया था जब आईसीआर जारब का पेपर हुआ था। क्लियर। अब फिर आइए देखते हैं ओरिजिनल आईडी, गवर्नमेंट आईडी, आधार कार्ड, या यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप ले जा सकते हैं क्या, हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट, जो भी होगा आपकी ओरिजिनल आईडी। क्लियर। अब आपको बेल्ट नहीं पहनकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, क्या पहनकर नहीं जाना है, तो बेल्ट आपको नहीं पहनना है। क्लियर। वॉलेट नहीं होना चाहिए, बेल्ट हो गया, वॉलेट हो गया। फिर आप टी शर्ट पहन के जाइए, बिल्कुल आराम से टी शर्ट पहनकर जाइए, आराम से बेफिक्र होकर। शूज़ भी ना पहन के आप स्लीपर या सैंडल पहनकर जाइए आराम से। क्लियर। यदि और भी अन्य कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, जाइए अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू।